यहाँ पर दोनों टीमें हैं। हेलो, यहाँ पर दोनों टीम कैप्टन मध्य मैदान पर पहुंच चुके हैं। चावड़ा बनाम जबलपुर, तो दोनों टीमें दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, एक डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट से तो दूसरा जबलपुर। ये अच्छी मुकाबला होने की संभावना, क्योंकि ये दोनों टीमें एक दूसरे को भली भांति नहीं समझते, नहीं जानते, तो कांटे की मुकाबला होने की संभावना। और यहाँ पर सिक्का उछाला गया, जिसमें टॉस ईगल चौरे के तरफ और टॉस जीतकर पहले कोर्ट और आमंत्रित किया है जबलपुर एकेडमी को रेड करने के लिए चौरा ईगल। वहीं पर हमारे स्थानीय अपने स्थानीय जगह पर चौरा टीम भी काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, जो कि इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है चौरा टीम का, जो कि टीम कैप्टन मानसिंह अपने टीम को युवाओं से सजी हुई टीम चौरा। वहीं पर टाइगर पर ओके, और ये निर्धारित 7-7 मिनटों का ये खेल होगा। और फर्स्ट रेड जबलपुर एकेडमी की तरफ से युवा रेडर है चौरा कोर्ट पर, अच्छी स्लिप और ये बोनस की ट्राई किया गया। बहरहाल अभी एक अच्छा मुकाबला ग्राम लखनपुरा स्कूल स्टेडियम में, दो बड़े टीमें इस प्रतियोगिता की प्रबल दावेदारों में गिनी जाने वाली टीमें हैं। और यहाँ पर बोनस से खाता खुलता हुआ जबलपुर एकेडमी का, और वहीं पर दिलीप है रेड पर चौरा की तरफ से, देखना होगा अच्छे और युवा रेडर है। और वहीं पर अपने टीम को एक पॉइंट दिला है, खाता खुलता हुआ चौरा टीम का। चौरा भी एक सशक्त टीम मानी जाती है। और वहीं पर एक बार फिर लंबू, जो कि स्टार रेडल है जबलपुर एकेडमी के, देखना होगा। और यहां पर हेड टच करने की कोशिश, लेकिन बहरहाल अभी कामयाबी नहीं। शुरुआती लम्हे है अभी शांत स्वभाव से, और मौसम भी अच्छा साथ देता हुआ, सोचे समझे और खाली हाथ रखती है। एक एक की बराबरी पर दोनों टीमें, एक बार फिर दिलीप है रेड पर, लेकिन वहीं पर टैकल हो गए और पॉइंट मिला चौरा ईगल को, निश्चित ही सॉरी जबलपुर एकेडमी को। दो एक से मुकाबला अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों टीमें काफी अच्छी सशक्त दिखाई दे रही है। वहीं पर गजब की अटैकिंग, लेकिन चतुर चलाक रेडर वहीं पर छलांग लगाकर वापस, और पॉइंट मिला एकेडमी जबलपुर को। एक बार फिर दुर्गेश रेड पर चौरा की तरफ से, युवा रेडर है सफाई क्रॉस। यहाँ पर एंगल होल, काफी अच्छी एंगल होल, और पॉइंट मिला जबलपुर एकेडमी को। निश्चित ही इस एक पॉइंट के सहारे 4-1 से मुकाबला, 3 पॉइंट की लंबी युद्ध जबलपुर एकेडमी के पास, और स्लिप चलाया गया वहां पर, लेकिन टच करने में नाकामयाब। अच्छी किक बैक के राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कॉर्नर में झकाते हुए रेडर, और वहां पर सोचे समझे और खाली हाथ वापस। एक बार फिर स्टार रेडर है चौरा की तरफ से, जो कि अपने टीम को पॉइंट दिलाने में कामयाब होते हैं, और वो एक पॉइंट अपने टीम को और अपने कप्तान को एक पॉइंट से नवाजा है। इस एक पॉइंट के सहारे 2-4 से मुकाबला, कहीं ना कहीं अच्छा मुकाबला कहना चाहिए जबलपुर बनाम चौरा की मैच। तो निश्चित ही एक बार फिर लंबू है रेड पर, जो कि 4 नंबर जर्सी काफी अच्छा रेड करते हैं अपने टीम के लिए। रनर आउट 1 पॉइंट चौरा, काफी अच्छी पकड़ चौरा टीम का। और एक बार फिर चौरा की तरफ से रेडर चले 5 के डिफेंस में, रेड का तजुर्बा पेश करते हुए बोनस नोट एंड लेवल हेड टच से ही काम होगा। निश्चित ही खाली हाथ वापिस। Thank you.
यहाँ पर स्लिप चलाया गया रणवती द्वारा, लेकिन चटल चलाक डिफेंडर मानसिंह वहां पर बचने में कामयाब। और वहीं पर अभी तक कामयाबी आपके कदमों को नहीं चूमी है। फर्स्ट टाइम आउट जबलपुर अकेडमी, चार फीट से मुकाबला खिलाड़ी सब्सिट होते हुए कुछ क्षणों के लिए मैच रुका हुआ था। टोटल मैच प्रारंभ होने की स्थिति में एक बार फिर दिलीप रन पर पांच डिफेंडर बोनस नॉट अवेलेबल, रनर को मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पांच डिफेंडर कोर्ट पर है तो रुचि भी अभी भी ज्यादा पॉइंट की लीड नहीं है। तीन चार से मुकाबला एक ही पॉइंट की लीड है जबलपुर अकेडमी के पास। वहीं पर इस लीड को तोड़ना होगा सौरभ सिंह को यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो, और वहीं पर जबलपुर को लीड बरकरार रखनी होगी यदि इस प्रतियोगिता में रहना है तो। और वहीं पर ऊपर फिर दूर रहना है कजब की किक स्लिप किक, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बरहाल एक अच्छा कमेटी डैश करने की कोशिश, और यहाँ पर वन पॉइंट जबलपुर अकेडमी। यहाँ पर डीवी डाल का संकेत राहुल के द्वारा, घर व्यापारों की स्थिति में बोनस अवेलेबल है आपके लिए। देखना होगा दिलीप के रैप पर छह डिफेंडर जबलपुर अकेडमी की कोर्ट पर, तो निश्चित ही अच्छी किक लेकिन नाकामयाबी की, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। और यहाँ पर हैंड टच करने की कोशिश, और यहाँ पर दावा किया है और मिला है पॉइंट चौरा को। चार पांच से मुकाबला तो निश्चित ही चौरा भी एक सशक्त टीम मानी जाती है अपने इस क्षेत्र में। और वहीं पर एक बार फिर युवा रनर है जबलपुर अकेडमी की तरफ से चौरा की कोर्ट पर, छह डिफेंडर कोर्ट पर है, बोनस अवेलेबल है। और ये हैंड टच करने का दावा मानसिंह को टारगेट बनाया है और पॉइंट मिला जबलपुर अकेडमी को। और एक बार फिर रनर चले चौरा कोर्ट पर, छह डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, गजब की किक बैक किक, लेकिन उतनी चतुर चलाक डिफेंडर और ये थाई है और वहीं पर लपेट लिए गए और पॉइंट मिला जबलपुर अकेडमी को। निश्चित ही इस एक पॉइंट के सहारे टीम के स्कोर जा पहुंचा है 7-4, 7 जबलपुर 4 चौरा। निश्चित ही चौरा को वापसी करना होगा। और अभी चारों डिफेंडर कोर्ट पर और रेडर है जबलपुर अकेडमी की तरफ से, चार नंबर जर्सी के साथ स्टार रेडर माने जाते हैं अपने टीम के, लेकिन बरहाल अभी और हैंड टच करने का दावा, लेकिन खाली हाथ वापस। और लड़ाई ध्यान देंगे यदि ये रेड फुल होता है तो लास्ट रेड होगा हाफ पारी का। निश्चित ही एक अच्छा मुकाबला स्कूल स्टेडियम ग्राम लखनपुरा प्रो कबड्डी प्रतियोगिता वर्ष 2023। टाइम आउट अदल बदल, तो कहीं ना कहीं हाफ पारी के बाद वाटरमैन ध्यान दें मैदान में वृक्ष डोली पहुंचाए चॉकलेट। हाफ पारी के बाद अंकों का लेखा जोखा देखा जाए तो 8-4, कहीं ना कहीं चार पॉइंट से पिछड़ रही है चौरा टीम। वापसी करना होगा और वहीं पर बरकरार रखना होगा जबलपुर टीम को। देखते हैं कौन सी टीम किस पे हावी होता है। बरहाल अभी हाफ पारी बाकी है तो निश्चित ही हल्की टीम कैप्टन ध्यान दें मंच में आकर संपर्क करेंगे जीएससी 750 हल्की। ध्यान देंगे पलकी जीएसयू 750 टीम कैप्टन मंच में आकर संपर्क करें। Yeah.
और यहाँ पर अच्छा मुकाबला गजब की बैकिक रनर के द्वारा और हेड टच करने की कोशिश, लेकिन कामयाबी आपके कदमों को नहीं छोड़ी तो निश्चित ही काफी ज्यादा कोशिश रनर के द्वारा और आखिरकार खाली हाथ वापस। सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल सिचुएशन में देखते हैं रनर चले चौड़े कोर्ट पर, यदि इस खिलाड़ी को टैकल करते हैं तो निश्चित ही 2 पॉइंट का इजाफा होगा चमड़ा टीम को। वहीं पर गजब की अटैक चमड़ा टीम का, सॉरी चमड़ा टीम का, और 2 पॉइंट सुपर टैकल सक्सेस 6-8। निश्चित ही 2 पॉइंट की लीड अभी जबलपुर एकेडमी की तरफ। और वहां पर पॉइंट मिला जबलपुर एकेडमी को, तो निश्चित ही अच्छा मुकाबला और टीम कैप्टन पद की 750 ध्यान देंगे, मंच में आकर संपर्क करें। जबलपुर एकेडमी सुपर रेड, काफी अच्छा रेड लब्बू के द्वारा। और अभी भी कोई कई टीम आई हो तो मंच में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद जो मैच होना है जीएसयू गोंडवाना पलकी और ध्यान देंगे, यदि कोई नई टीम आई हो तो मंच में आकर संपर्क करें, नहीं तो एंट्री पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। कुछ क्षणों बाद एंट्री बंद किया जाएगा क्योंकि आज फाइनल का दिन है। जबलपुर एकेडमी बना चौरा के बाद तो निश्चित ही एक अच्छी मुकाबला कहना चाहिए। 7-16, 7-14, 16 जबलपुर के एक लंबी Yeah
हेलो। और यहाँ पर कुछ तकनीकी खराब होने के कारण आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम सुना नहीं पाए, इसके लिए माफी चाहेंगे सभी कबड्डी के चाहने वालों को। और यहाँ पर अच्छा अटैक कैमरा के द्वारा और पांच मिनट कैमरा को पुलिसी भी 9-18 1-2 की मुकाबला 9 पॉइंट के लिए अभी भी जबलपुर अकेडमी के पास सुनिश्चित ही देखना होगा। एक बार फिर स्टार रेडर है अपने टीम के गए हैं और यहाँ पर 6 डिफेंडर है, 16 से अवेलेबल है आपके लिए, देखना होगा। यहाँ पर अच्छी चैन आई और वहीं पर लपेट दिया गया और पॉइंट मिला जबलपुर अकेडमी को। सुनिश्चित ही जबलपुर अकेडमी हावी होता हुआ चौरा के ऊपर और वहीं पर वापसी करना होगा चौरा इंग्लैंड को, ताकि मैच का रोमांच आ सके। और ध्यान देंगे बल्कि 750 और सत्तरा दोनों टीम तैयारी बनाकर मैदान के किनारे आ जाए, क्योंकि और पलकी से रमेश पेकाम जहाँ कहीं भी हो टेंट के पीछे आपकी टीम आपकी इंतजार कर रही है जाके मिलने। और वहीं पर एक बार फिर रनर है आपके टीम के, चल कोर्ट पर देखते हैं क्या कुछ करते हैं। और पॉइंट मिला चौरा को, काफी अच्छा चैन लगाया